और उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कश्मीर में जनमत संग्रह के आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल मचा है। आज आपके कौशाम्बी के दफ्तर पर हमला हुआ, साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने दरअसल ये बयान दिया था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की जाए या नहीं, इसके लिए कश्मीर के आम लोगों से जनमत संग्रह किया जाना चाहिए, उनकी राय जानी जानी चाहिए कि आखिर कश्मीर में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। प्रशांत भूषण के इस बयान के बाद बवाल हुआ और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची हिंदू रक्षा दल, जिसने जमकर तोड़फोड़ की, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल का ये कहना है कि प्रशांत भूषण अपने बयान को वापस लें। जंतर मंतर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि बाद में प्रशांत भूषण ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह तस्वीर हम आपको जंतर मंतर की दिखा रहे हैं। इससे कुछ वक्त पहले लगभग सुबह के 10 से 11 बजे के बीच आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया है कि अगर हिंसा से कश्मीर समस्या का हल निकल सकता है तो वे हिंदू रक्षा दल जहां कहे वहां अरविंद केजरीवाल आने के लिए तैयार हैं। और साथ ही अरविंद ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए न्योता भी दिया।